नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने फिर चेताया है कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सरकार और अधिक सख्त उठा सकती है। उन्होंने कहा है कि इसमें सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद गहलोत ने सोमवार आधी रात तक कोरोना कोर ग्रुप, डॉक्टरों, जिला कलेक्टर और एसपी के साथ ओपन बैठक की। गहलोत ने अफसरों से कहा कि राजस्थान में एक दिन में 2429 कोरोना पॉजिटिव केस आना और देश के आंकड़ों का 1,00,000 को पार कर जाना बहुत चिंताजनक है। सीएम ने कहा कि जहां भी कोरोना के केस ज्यादा मिलेंगे वहां पर नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से ही लगाने को कहा है। जोधपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरतने पर जुर्माने के साथ दुकान या प्रतिष्ठान को 3 दिन के लिए सील किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि कोरोना से संक्रमण के मुकाबले की भावना से काम करते हुए हमें सख्ती के साथ साथ प्यार और समझाइश से जन अभियान की तर्ज पर हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कराना जरूरी है। राजस्थान में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। संक्रमण बढ़ने के साथ यहाँ मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा है। यहाँ बीते 24 घंटे के दौरान मंगलवार को 2236 मामले नए सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की जान चली गई। मौत के आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल 6 दिन के भीतर 36 लोगों की मौत हो चुकी है और यह इस साल फरवरी और मार्च के मुकाबले ज्यादा है। एक्सपर्ट्स की माने तो जिस तेजी से ये मौतों का आंकड़ा बढ़ रहे हैं, ये दिसंबर जनवरी के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में सबसे ज्यादा 413 नए केसेस मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उदयपुर, जोधपुर में स्थित और भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ 201 केस मिलने के अलावा एक दिन में 5 लोगों की जान भी चली गई। अप्रैल में कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी होली, शीतलाष्टमी सहित अन्य त्यौहार मनाने यहाँ आए, जिसके कारण केसों की संख्या में इजाफा हुआ है। 1971 की पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे होने पर भारतीय सेना इस वर्ष को स्वर्णिम विजय के रूप में मना रहा है। राममंच गांधी विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मशाल लेकर पहुंचे जोरदार स्वागत करते हुए सेना के जवानों ने सलामी दी। रणबांकुरा डिवीजन के लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस आर्य ने बताया कि दिल्ली से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल वॉर मेमोरियल के 4 स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित कर पूरे देश की चारों दिशाओं में रवाना की। यह मशाल यात्रा पूरे देश के लिए सभी छावनी क्षेत्रों का भ्रमण कर शहीदों के आंगन की मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अमर स्मारक ले जाएंगी। मंगलवार को यह स्वर्णिम विजय मशाल सरदार शहर के वीर सेनानियों की भूमि पर पहुंची, जहां राम मंच पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन कर याद किया। कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं और भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी शौर्यता दिखाई थी, उन्हें सम्मानित भी किया गया। राजस्थान के दौसा के महुआ में पुजारी शंभू की जमीन की रजिस्ट्री मामले का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। थाने के बाहर ग्रामीण पुजारी के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। वही सांसद किरोड़ी लाल मीना का 5वें दिन भी धरना जारी है। देर रात तक दौसा कलेक्टर और एसपी ने महुआ थाना परिसर में वार्ता की, लेकिन धरना समाप्त करने पर सहमति नहीं बन पाई। वार्ता में प्रदेश बीजेपी की तरफ से भेजी गई टीम भी शामिल थी, लेकिन किरोड़ी लाल मीना अपनी मांग पर अडिग हैं। इस मामले में तहसीलदार को एपीओ भूमाफियाओं को राउंडअप करने के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। पूरे प्रकरण की जाँच को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा जो पूरे मामले की जाँच रिपोर्ट पेश करेगी। किरोड़ी लाल मीना ने तहसीलदार को सस्पेंड करने के साथ जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं किरोड़ी लाल मीना ने साफ कहा है कि जब मांगों को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक थाने के सामने ग्रामीणों का धरना जारी रहेगा। तो दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ।